अमेठी जिले के संग्रामपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत पुनपुर गांव के एक युवक ने अपनी आपत्तिजनक स्थिति को दर्शाते हुए एक अनोखा प्रदर्शन किया है। वो एक साल से अपने घर के बाहर लगे नल को रिबोर कराने की लगातार मांग कर रहा था, लेकिन इस मांग का कोई परिणाम नहीं मिला। निराश होकर उसने बीडीओ कार्यालय के बाहर जाकर ब्लॉक परिसर में ही बाल्टी लाकर नहाया। नहाने के बाद कपड़े धोकर एक बाल्टी पानी भरकर पीने के लिए अपने घर ले गया। उसका कहना है कि नल रिबोर न होने के कारण वो प्रतिदिन बीडीओ ऑफिस के सामने ही नहाएगा। ये तब तक करेगा जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। मेरा नाम सत्यम है, मैं ग्राम सभा पुनपुर विकास खंड संग्रामपुर का निवासी। क्या समस्या है जो आप यहाँ बाल्टी लोटा लेकर ब्लॉक के अंदर आए? डेढ़ साल हो गया है। मैं संबंधित अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा रहा हूँ कि साहब मेरा नल बनवा दीजिए। लेकिन ये है कि ये लिखित इतने बुद्धिजीवी हैं कि ये लिखित झूठा आश्वासन दे दिए हैं। और अभी मैं परसों आया था, यहाँ पर स्नान किया था और ये तत्काल गए, वहाँ पर देखे स्थिति, देखे नल की स्थिति, देखे जर्जर नल पाया गया, रिबोर योग्य पाया गया। लेकिन फिर भी इन्होंने, कल मैंने जब इनके पास फ़ोन किया तो इन्होंने मुझसे, ग्राम सचिव ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मुझसे बात की। तो आज मैं पुनः यहाँ पर आया हूँ, फिर से स्नान करूँगा और फिर लगातार जब तक मेरा नल नहीं रिबोर हो जाता है तब तक मैं यहीं पर स्नान करूँगा, यहीं पर ब्रश करूँगा और यहीं से जो है पानी पीने के लिए अपने परिवार के लिए लेके जाऊँगा।